देखो बेटा, ट्रांसक्रिप्शन न्यू करियर्स में देखते हैं। प्रो करियर्स में तीन प्रोसेस है, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। लेकिन यू करियर्स में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, वो न्यूक्लियस में हो रहा है। सबसे पहली बात आपको समझना है। लेकिन जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, वो आरएनए जो है, खास करके एक आरएनए जिसे आप एमआरएनए कहते हैं, वो आरएनए, यंग आरएनए मैच्योर नहीं है। मतलब उस आरएनए से प्रोटीन नहीं बन सकती, इसका मतलब ये हुआ। आइए प्रोसेस देखते हैं और समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के ट्रांसक्रिप्शन के कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल का ट्रांसक्रिप्शन कितना कॉम्प्लेक्स है। तो यूकैरियोटिक सेल का ट्रांसक्रिप्शन में दो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जिनको हम लोग स्टडी करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से आपको सीखना भी है। आइए मैं आपको सिखाता हूं। तो अगर आप देखें तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में, तो सबसे पहला आप कमेंट लिख सकते हैं कि सर ये टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में है। और दूसरी बात लिख सकते हैं एंड सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में और सेल ऑर्गेनेल्स के दो जगहों पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है यूकैरियोटिक्स में। ये कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं? आपने पढ़ा होगा, एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम माइटोकांड्रिया है, एक सेल है जिसका नाम माइटोकांड्रिया है, और दूसरी सेल है जिसका नाम, सॉरी, दूसरा सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है। यूकैरियोटिक सेल में ये दो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनका अपना खुद का डीएनए होता है। मतलब अगर आप सोचे तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन तीन जगह हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है, माइटोकांड्रिया में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। अगर आपको इसका फिगर ऐसे ड्रा करना है तो आप ऐसे फिगर बना लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। आप ऐसे यहाँ पर इसका न्यूक्लियस बना दें इस तरह से, और न्यूक्लियस बनाने के बाद आप ऐसे यहाँ दिखा दें, भाई ये न्यूक्लियस है, ये देखिए ये न्यूक्लियस है। यहां पर देखिए, इस जगह पर अगर आप इसे मान लें कि ये डीएनए है, तो इसी डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन यहां हो रहा है। तो एक तो ये न्यूक्लियस में डीएनए पड़ा है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, दूसरा देखिए अगर आप देखिए तो माइटोकांड्रिया में भी डीएनए पड़ा हुआ है और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पड़ा हुआ है। मतलब यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन तीन जगह हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है, माइटोकांड्रिया में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। लेकिन मैंने न्यूक्लियस इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग न्यूक्लियस का ही डिस्कशन करेंगे। आइए, तो सबसे पहले लिखा कि आपने यूकैरियोटिक सेल में लोकेशन आपको याद हो गई कि एक तो न्यूक्लियस में है और दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स में है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो यही लिखा हुआ है। किस फेज में हो रहा है, अगर आप लिखे तो ये G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल, मतलब जो सेल साइकिल है उसके G1 और G2 फेज में सेल साइकिल के होता है। G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल मतलब डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो G1 फेज में भी होता है और G2 फेज में होता है, लेकिन मेनली G1 फेज में होता है। तीसरी बात देखिए, यूकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कॉम्प्लेक्स है। तो एनसीईआरटी कहती है, अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हैं, देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, ऐसे आप लिख लें, देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, आप एनसीईआरटी क्लियर कर लें, कॉम्प्लेक्सिटीज इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स। मतलब ये हुआ कि यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में दो प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में दो खास तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं आप देख लें, देयर आर टू, फिर से लिख लें, एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में यूकैरियोट्स में दो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। पहला कॉम्प्लेक्सिटीज देखिए, ये जो एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट, पहली कॉम्प्लेक्सिटी है कि ये जो एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसकी संख्या प्रोकैरियोटिक सेल में केवल सिंगल होती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये जो एंजाइम है इसकी संख्या यूकैरियोटिक सेल में टोटल संख्या तीन होती है। आप समझे इस बात को कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वहां पर ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज केवल एक होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में इसकी टोटल संख्या तीन होती है, जिसमें जो फर्स्ट होता है वो बनाता है 28S, 18S और 5.8S राइबोसोमल आरएनए, ये बनाता है, ये फर्स्ट वाला बनाता है, आपको एनसीईआरटी में एग्जैक्ट मिला लेना है। सेकेंड बनाता है, जो सेकेंड है वो बनाता है HNRNA। तो अगर आप HNRNA का पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम हो गया हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनियस
न्यूक्लियर आरएनए ये बनाता है सेकेंड हेट्रोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए। जब ये एचएनआरएनए बन जाता है तो इसी की जो प्रोसेसिंग होती है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, तो इससे ईएमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड जो है, अगर आप ऐसे बोलें कि फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए बनाता है, सेकेंड एचएनआरएनए बनाता है, जो प्रोसेसिंग बाद ईएमआरएनए बन जाता है। जो थर्ड है, जो थर्ड डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है, ये जो इंजन थर्ड वाला है, ये बनाता है एसएनआरएनए। अगर आप एसएनआरएनए का मतलब समझें तो ये एसएनआरएनए का पूरा नाम है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है। अब आप देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में आपको ये आरएनए कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये एडिशनल आरएनए है। दूसरा देखिए एससीआरएनए, इसे भी बनाता है एससीआरएनए, मतलब इसका पूरा नाम अगर आप देखें तो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ये इसका दूसरा टाइप हो गया। तीसरा देखिए स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ये अगला बनाता है 5SRRNA। मतलब आपको ये बात समझनी है कि आरआरएनए मेनली तो फर्स्ट बना रहा है, लेकिन इसकी 5S जो यूनिट है, 5SRRNA जो यूनिट है, उसे थर्ड बना रहा है, और तीसरा आरएनए जो बनाता है ये टीआरएनए बनाता है। तो अगर आप सबको सिंपली देखा जाए तो ये जो एंजाइम है प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक है जो तीनों एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए आरआरएनए टीआरएनए। एक बात आप बहुत सोच सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में केवल तीन तरह के आरएनए हैं, एक एमआरएनए है, एक आरआरएनए है, एक टीआरएनए है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में अगर आप देखें तो एमआरएनए आरआरएनए टीआरएनए एसएनआरएनए और एससीआरएनए है, मतलब टोटल आरएनए 5 है। जेनेटिक की नॉन जेनेटिक आप बोलिए, नॉन जेनेटिक आरएनए है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की संख्या एक है जो तीनों आरएनए बनाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की संख्या तीन है जो अलग अलग एंजाइम्स का अलग अलग एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन फर्स्ट करता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन सेकंड करता है, थर्ड जो है एसएनआरएनए एससीआरएनए टीआरएनए और 5SRRNA का फॉर्मेशन करता है। अब पॉइंट की बात यह है कि यूकैरियोटिक सेल में एमआरएनए का फॉर्मेशन डायरेक्ट होता है, लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल देखें प्रोकैरियोटिक की बजाय आप यूकैरियोटिक सेल देखें तो यूकैरियोटिक सेल में एचएनआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एचएनआरएनए से बाद में एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको समझना है कि एचएनआरएनए क्या है। तो अगर हम आपसे पूछें कि देखिए एचएनआरएनए, तो आप लिख सकते हैं प्रोसेसिंग ऑफ एक हेडिंग डाल लें, प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए इनटू एमआरएनए, प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए इनटू एमआरएनए। अच्छा, इसी एचएनआरएनए को हम लोग इमैच्योर आरएनए भी कहते हैं। इमैच्योर आरएनए इसलिए कहते हैं कि इस आरएनए से प्रोटीन नहीं बन सकती है, इसको इमैच्योर आरएनए भी कहते हैं। तो मतलब प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए इनटू एमआरएनए, तो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन की बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, आप बोलिए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, मतलब इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, इसी सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सर ऐसे भी लिख सकते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, ऐसे भी आप लिख सकते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल क्या प्रोसेसिंग। अब आइए देखा जाए, अब ये देखिए सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी में इसके ढेर सारे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एनसीईआरटी में अगर आप देखें इसका जो पहला स्टेप होता है उसे हम लोग कैपिंग कहते हैं। कैपिंग क्या है पहले आप ये समझें, कैपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है ये भी समझ लें। मैं अगर आपसे कहूं कि बेटा देखिए ये हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल है, आप कहेंगे अच्छा सर ये डीएनए है, बिल्कुल देखिए ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस डीएनए के मॉलिक्यूल से किसका फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं इसे बना दें, सीधे फिगर बना दें, तो इस डीएनए के मॉलिक्यूल से एक आरएनए बन रहा है जिस आरएनए का नाम एचएनआरएनए है, एचएनआरएनए हो रहा है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इसका फॉर्मेशन कहां हो रहा है, पहले पोलरिटी लिख लीजिए, इसकी पोलरिटी है 5'-3'। तो ये जो डीएनए से आरएनए बन रहा है आप यहां देखिए ये काम हो रहा है न्यूक्लियस में, तो और ये एचएनआरएनए बनाने का कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, यहां देख लीजिए डीएनए डिपेंडेंट कौन सा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एचएनआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, जिस आरएनए से अभी ये एचएनआरएनए यही न्यूक्लियस से पड़ा हुआ, अभी साइटोप्लाज्म में नहीं गया हो। तो एचएनआरएनए जब बन जाता है तब देखिए इस एचएनआरएनए में दो तरह के
दो तरह के जो है सेगमेंट होते हैं। आप ऐसे देख लीजिए, दो तरह के सेगमेंट होते हैं, आपको ये बात समझनी है। पहला जो सेगमेंट होता है जो बीच बीच में है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, उसे एग्जॉन कहते हैं, और जिससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता है उसे इंट्रॉन कहते हैं। मतलब एग्जॉन और इंट्रॉन दो इसके सेगमेंट हैं। एग्जॉन से ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, मतलब इससे ट्रांसलेशन हो सकता है, इससे, लेकिन इस इंट्रॉन से नो ट्रांसलेशन, मतलब अनवांटेड है, इससे प्रोटीन नहीं बन सकती है। ये जो एचएनआरएनए बनता है, इसमें दो तरह के सेगमेंट हैं। एग्जॉन वो सेगमेंट है जिनसे प्रोटीन बन सकती है, क्योंकि आरएनए से तो प्रोटीन ही बनेगी ना भाई। तो एग्जॉन से ट्रांसलेशन, मतलब एग्जॉन का ट्रांसलेशन हो सकता है, प्रोटीन बन सकती है, लेकिन इंट्रॉन का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है, अनवांटेड सेगमेंट है। तो मैं अगर आपसे पूछूं इसमें यूजफुल कौन है, एग्जॉन या इंट्रॉन, तो आप कहेंगे सर इंट्रॉन अनयूजफुल है, क्योंकि प्रोटीन नहीं बन सकती है, और एग्जॉन जो है यूजफुल है, इसीलिए प्रोटीन बन सकती है। अगर आप देखें तो यहां प्रोटीन बन सकती है, यहां नहीं बन सकती, यहां बन सकती है, यहां बन सकती है, यहां बन सकती है, यहां नहीं बन सकती है। इस तरह के अरेंजमेंट को, जहां पर प्रोटीन बने या ना बने, एक जगह बनती है दूसरी जगह नहीं बनती है, इस तरह के अरेंजमेंट को स्प्लिट चेन अरेंजमेंट कहते हैं। स्प्लिट चेन अरेंजमेंट मतलब ये हुआ कि एग्जॉन वो जगह है जहां से प्रोटीन बन सकती है, एग्जॉन वो प्लेस है जहां से प्रोटीन बन सकती है, मतलब जिसका ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन इंट्रॉन वो जगह है जहां पर प्रोटीन नहीं बन सकती, जिसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो कैपिंग में क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं ये एचएनआरएनए कहां बना है, तो आप कहेंगे सर ये जो एचएनआरएनए है ये इसी न्यूक्लियस के अंदर बना है, तो क्या ये एचएनआरएनए सीधे साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, आप कहेंगे नहीं, पहले इस एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट होना है। तो कैपिंग माने क्या होता है, कैपिंग माने ये होता है कि इस जो ये एचएनआरएनए है, इस एचएनआरएनए के 5' पे, आप यहां देखिए मैं लिख देता हूं एडिशन ऑफ 7-methyl, ध्यान सुनिएगा, 7-methyl guanosine, 7-methyl guanosine triphosphate, 7-methyl guanosine triphosphate at किस इंड पर, देखिए 5' इंड ऑफ एचएनआरएनए। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा मैंने, कैपिंग का मतलब क्या हुआ, आप इसको ध्यान दें, कैपिंग का मतलब यह हुआ कि जो ये 7-methyl guanosine triphosphate है, ये 7-methyl guanosine triphosphate है, इसको इसके 5' पे जोड़ दिया जाता है, किस आरएनए के, एचएनआरएनए के। फायदा क्या होता है, अच्छा इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है, इसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्वानिल ट्रांसफेरेज, इसी एंजाइम की हेल्प से 7-methyl guanosine triphosphate को जोड़ दे देता है, ये देखिए। अच्छा फायदा क्या है, विदाउट कैपिंग, अगर कैपिंग ना हो, आप इसका इंपॉर्टेंस समझ लें, विदाउट कैपिंग, अगर इस पे कैपिंग मतलब 7-methyl guanosine triphosphate ना जुड़े, तो इस आरएनए का ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन, लिख दीजिए, अगर कैपिंग नहीं होगी तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। अगर आपको फिगर बनाना है तो आप इसका फिगर ऐसे बना दें, सिंपल से ऐसे दिखाएं कि पहली प्रोसेस है, यहां पर आप प्रोसेस लिख दें कि कैपिंग हो रही है। अगर आपको कैपिंग दिखाना है, यहां पर आपने कैपिंग लिख दिया, और आप देखिए ध्यान से देखिए, आपने यहां पर क्या किया, ये एचएनआरएनए बना दिया, ये 5' है, ये 3' है, अभी एचएनआरएनए है, अभी एमआरएनए नहीं है ये, और इसके 5' पे आपने 7-methyl guanosine triphosphate को जोड़ दिया, किस प्राइम पे, देखें 5' पे क्या जोड़ा, 7-methyl guanosine triphosphate, कहां पे जोड़ा, न्यूक्लियस में, कौन सा एंजाइम जोड़ रहा है, ग्वानिल ट्रांसफेरेज। अगर यहां पर कैपिंग नहीं होगी तो मैंने अभी लिखा था कि नहीं, कैपिंग होने पर ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, मतलब इससे प्रोटीन नहीं बनेगी। ये दूसरी बात आप देखिए, अभी मैंने बनाया है किस पे, वो जगह जहां पर ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है, जहां से प्रोटीन नहीं बन सकती है, उन जगहों को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रॉन्स कहते हैं, इंट्रॉन्स कहते हैं, और जहां पर प्रोटीन बन सकती है उन जगहों को एग्जॉन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे 5' पे क्या जोड़ा जाता है, तो ये लिखा हुआ है, आप याद कर लीजिए, 7-methyl guanosine triphosphate, पहला हो गया, 5' पे जोड़ा गया, इसलिए प्रक्रिया का नाम कैपिंग हुई। दूसरी प्रक्रिया आप देखिए, तो दूसरा जो इसका स्टेप होता है उसे टेलिंग कहते हैं,
टेलिंग, टेलिंग का मतलब आप समझिए टेलिंग क्या होता है। तो अगर आप टेलिंग देखें तो सीधा लिखें एडिशन ऑफ पॉलीएडेनिलेट रेसिड्यूज ब्रैकेट में लिखिए 200 से 300 एट 3' एंड। ये दूसरी बात आपने लिखा एडिशन ऑफ पॉलीएडेनिलेट रेसिड्यूज एट 3' एंड, ये है टेलिंग। तो अगर आपको इसका फिगर बनाना है तो आप इसका फिगर ऐसे बना दे, ऐसे बनाइए, यहां लिखिए कि सर ये टेलिंग हो रही है। टेलिंग मतलब क्या हुआ, यहां लिखिए कि ये 5' है, ये 3' है। यहां पर आपने क्या लिखा था, 7-methylguanosine triphosphate, और इस जगह पर 3' पे आपने जोड़ दिया पॉलीएडेनिलेट रेसिड्यूज, ये जोड़ दिया आपने किस प्राइम पे, 3' पे। इस पे वो जगह बना दीजिए जहां पर ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। तो अब आप बताइए किसको हटाना है, इसमें इंट्रॉन्स को हटाना है या एग्जॉन्स को। तो आप कहेंगे सर इंट्रॉन्स को हटा दीजिए क्योंकि इससे प्रोटीन तो बन नहीं सकती है, एग्जॉन को जोड़े रखिए। तो तीसरा प्रोसेस होता है जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, चाहे आप इसे स्प्लाइसिंग कहें, चाहे स्प्लाइसिंग कहें, और चाहे इसे आप टेलरिंग कहें, कभी कभी लोग टेलरिंग कहते हैं स्प्लाइसिंग, या इसी को टेलरिंग कहते हैं। तो स्प्लाइसिंग में किसे रिमूव किया जाए, स्प्लाइसिंग में किसे निकाल दिया जाए, देखिए ध्यान से, स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए और एक्सॉन्स को बाइंड कर दिया जाए, फिर से जोड़ दिया जाए, एक्सॉन्स को बाइंड कर दिया जाए। ये देखिए, तो बाइंड करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, लाइगेज लिख लीजिए। तो अगर आप ये देखें, यहां पर देखें, तो इस तरह से ये तीसरे स्टेप पे आता है जिसे हम लोग स्प्लाइसिंग कहते हैं। यहां पर लिखिए कि ये तीसरा स्टेप है जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, ये इसका 5' है, ये इसका 3' है, यहां पर 7-methylguanosine triphosphate है, यहां पर पॉलीएडेनिलेट रेसिड्यूज है और इस आरएनए का नाम एमआरएनए है। मतलब अगर आप देखिए तो डीएनए से कौन सा आरएनए बनता है, एचएनआरएनए से कौन सा आरएनए बनता है, उसकी पहले कैपिंग होती है, 5' पे 7-methylguanosine triphosphate जुड़ा रहता है, 3' पे पॉलीएडेनिलेट रेसिड्यूज जुड़े रहते हैं, और फिर आप देखिए आगे चल के इसके इंट्रॉन्स को कट करके निकाल दिया जाता है और एग्जॉन्स को जोड़ दिया जाता है। तो एग्जॉन्स को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, लाइगेज। इंट्रॉन्स को कट कौन करता है, आप ये देखिए, अगर आप इंट्रॉन्स को कट करने वाला कॉन्सेप्ट देखें तो ये देखिए एसएनआरएनए, एसएनआरएनए का पूरा नाम क्या है, आप सिंपल से देखिए एसएनआरएनए को कौन बनाता है, पॉलीमरेज थर्ड बनाता है। बोलिए हाँ सर, तो पॉलीमरेज थर्ड बनाता है, रहता कहां है, नाम भी देख के पता चल जाएगा, रहता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, मतलब ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ये जो आप घटनाएं देख रहे हैं ये कहां हो रही है, न्यूक्लियस में हो रही है, साइटोप्लाज्म में नहीं हो रही है। जब ये तीनों प्रोसेसिंग हो जाएगी, तीनों घटनाएं हो जाएंगी, तब एमआरएनए बनेगा और फिर एमआरएनए इस साइटोप्लाज्म में आता है, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, जबकि यहां पर एचएनआरएनए बनता है। तो ये एसएनआरएनए कुछ खास तरह के प्रोटीन से जुड़ जाता है, एसएनआरएनए खास तरह के प्रोटीन से जुड़ जाता है और फिर ये स्ट्रिप्स बनाता है, स्ट्रिप्स बनाता है, ये स्ट्रिप्स भी खास तरह की प्रोटीन से जुड़ जाती है, और उन प्रोटीन्स को जुड़ने के बाद ये देखिए स्प्लाइसियोसोम्स बनाती हैं, और यही स्प्लाइसियोसोम्स साफ साफ लिखा है कि इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। स्निप्स का पूरा नाम है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन है। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे एसएनआरएनए का क्या फंक्शन है, तो एसएनआरएनए स्प्लाइसिंग में काम करता है, कहां काम करता है, स्प्लाइसिंग में। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, डीएनए इस एमआरएनए पे जहां जहां इंट्रॉन्स है उन्हें कट करके हटाया जाता है, एग्जॉन्स को जोड़ा जाता है। तो एग्जॉन्स को कौन जोड़ता है, लाइगेज जोड़ता है। इंट्रॉन्स को कौन कट करके निकालता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है वो खास तरह की प्रोटीन से जोड़ता है, स्निप्स बनाता है। पूरा नाम है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन, फिर वो खास तरह के प्रोटीन जोड़ती है, प्रोटीन का नाम नहीं लिखा है, स्प्लाइसियोसोम्स बनते हैं, और वो स्प्लाइसियोसोम्स उन इंट्रॉन्स को कट करके निकाल देते हैं, एग्जॉन्स को लगातार जोड़ देते हैं। इस तरह से देखिए पहला स्टेप है जिसे हम लोग कैपिंग कहते हैं, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है जिसे टेलिंग कहते हैं,
और तीसरा स्टेप है जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। इन तीन स्टेप का के बाद क्रिपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग के बाद आप देखिए जो जिसे आपने एचएनआरएनए कहा था उसे आपने क्या कहा, एमआरएनए कहा। अगर क्रिपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग नहीं होती है, क्रिपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग नहीं होती है तो इस एचएनआरएनए से ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तीनों क्रिपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग जो ये प्रोसेसिंग हो रही है ट्रांसक्रिप्शन के बाद किसकी हो रही है, एचएनआरएनए की, और क्रिपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग के बाद एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एमआरएनए न्यूक्लियस निकल के साइटोप्लाज्म में आता है। अगर एमआरएनए में क्रिपिंग नहीं होगी तो उससे राइबोसोम नहीं जुड़ेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर उसकी टेलिंग, स्प्लाइसिंग नहीं होगी तो कुछ दूर प्रोटीन बनेगी, कुछ दूर प्रोटीन नहीं बनेगी। और अगर क्रिपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग नहीं होगी तो जो एचएनआरएनए एमआरएनए में न्यूक्लियस में कंट्रोल हुआ, मतलब प्रोसेस्ड हुआ, वो एमआरएनए कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा। तो ये यूकेरियोट्स में ये दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। पहले ये तीन तरह के एंजाइम्स हैं और दूसरी ये प्रोसेसिंग है जिसको आपको अच्छे तरीके से सीखने हैं, इसका ध्यान रखें। बेटा देखो, अब प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। आइए देखा जाए तो सबसे पहले आप प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को देखें। सबसे पहले आपको अगर डिफरेंस समझना है तो सबसे पहले लिख दें कि टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, मतलब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है, बिना इसको समझे कल्याण नहीं है। अगर आप यहां पर देखें तो टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, ये बात भी आप सीख लें, टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस, टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो अगर सेल ऑर्गेनेल्स कहें तो दो सेल ऑर्गेनेल्स है जहां ट्रांसक्रिप्शन होता है, मैंने आपको बताया है कि वो सेल ऑर्गेनेल्स है कौन कौन से, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में और प्लस क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में। सीएस डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को देख के डरिएगा नहीं, एमटी डीएनए माने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और सीएस डीएनए माने क्लोरोप्लास्ट का डीएनए। तो ये पहला डिफरेंस हो गया लोकेशन का। दूसरा देखिए, पहला डिफरेंस लोकेशन का हो गया। देखिए अगर आप दूसरा डिफरेंस देखते हैं तो ओनली सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ओनली सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए। मतलब ये हुआ कि एमआरएनए थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए, तीनों का फॉर्मेशन ये अकेले एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करता है। तीनों आरएनए का, कौन कौन से आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, मात्र तीन आरएनए, तीन तरह के आरएनए होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। यहां पर देखें थ्री डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, थ्री डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन कौन कौन से आरएनए का। अगर आप नाम देखें तो यहां पर आपको पांच आरएनए दिखाई पड़ रहे हैं, एक दिखाई पड़ रहा है एमआरएनए, दूसरा आरआरएनए, तीसरा टीआरएनए, चौथा, ध्यान दें यहां ये भी आरएनए कॉमन है। अगर आप नाम देखना चाहते हैं तो यहां एमआरएनए यहां भी है, यहां भी आरआरएनए है, यहां भी टीआरएनए है, यहां तक तो बातें कॉमन है। मतलब ये दोनों आरएनए हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में कॉमन है। तो इसमें कौन सा आरएनए एक्स्ट्रा आ गया, इसमें आ गया एसएनआरएनए और एक आरएनए आ गया एससीआरएनए। एसएनआरएनए का पूरा नाम हो गया स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एससीआरएनए का नाम हो गया स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। मतलब अगर आप यहां देखें तो एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है जबकि वहां पर तीन डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है।
तो बेटा देखें, अगर आप देखें इस बात को, तो एनसीईआरटी लिखती है सीधे सीधे कि बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3 आरएनए बनाता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। जबकि यूकैरियोटिक सेल में अगर आप देखें तो 5 तरह के नॉन जेनेटिक आरएनए हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एससीआरएनए, एसएनआरएनए, मतलब 5 एमआरएनए हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, यूकैरियोटिक सेल में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं, जो 5 तरह के एमआरएनए बनाते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एससीआरएनए, एसएनआरएनए। एक बात और देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे ही आरएनए बनते रहता है उसमें प्रोटीन बनती है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि कपल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है, एक ही साथ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, एक साथ ट्रांसलेशन हो रहा है। यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में अगर आप देखें तो कपल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि डू नॉट टेक्स प्लेस। जिस समय आरएनए बन रहा है उस समय यहां पर प्रोटीन तुरंत नहीं बनती है, मतलब उसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। यहां पर कपल ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं है। फिर यहां देखिए, अगर आप देखिए, नो प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए, यहां पर सीधे एमआरएनए फॉर्मेशन होता है, नो प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का कोई प्रोसेसिंग नहीं है, मतलब कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप यहां देखें तो देखिए, अगर आप देखें प्रोसेसिंग ऑफ क्या, अगर आप देखें प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए इनटू इसमें एमआरएनए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद एचएनआरएनए जो है एमआरएनए में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये देखिए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, अगर आप इसका मतलब समझे नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देखिए, जो कैपिंग होती है, अभी जो आपने पढ़ा कि कैपिंग होती है, फिर आपने पढ़ा कि भाई टेलिंग होती है, कैपिंग होती है, फिर आपने पढ़ा टेलिंग होती है, फिर पढ़ा आपने स्प्लाइसिंग होती है, ये तीनों प्रोसेस जो होती है यूकैरियोटिक सेल के ट्रांसक्रिप्शन होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के ट्रांसक्रिप्शन में कभी ऐसा नहीं होता है। एक बात और देखिए, एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी कहती है कि ये पॉलीसिस्टानिक है। पॉलीसिस्टानिक मतलब क्या हुआ आप ये समझिए, पॉलीसिस्टानिक मतलब ये हुआ कि एक एमआरएनए से कई प्रोटीन बन सकती है, सिंगल एमआरएनए से, आप ये बात समझे, सिंगल एमआरएनए से एक बार में मल्टीपल प्रोटीन बन सकती है, मतलब एक से ज्यादा प्रोटीन बन सकती है, मल्टीपल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सकता है एक एमआरएनए से। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर क्या है, ये मोनोसिस्टानिक है, इसका मतलब यह हुआ कि एक बार में डीएनए के किसी एक सेगमेंट से एक ही एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि सिंगल एमआरएनए पे सिंगल एमआरएनए का ही फॉर्मेशन होता है, एक एमआरएनए का डीएनए के सेगमेंट से फॉर्मेशन होता है। ये भी एक मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, जो आपको अच्छे से समझना है। तो यहां पर ये पॉलीसिस्टानिक है और ये मोनोसिस्टानिक है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां लिखा है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, मतलब ये हुआ कि एग्जॉन और इंट्रॉन डीएनए के जो आरएनए है उस पे अल्टरनेट पाए जाते हैं, नो सच अरेंजमेंट, इस तरह का अरेंजमेंट यूकैरियोटिक सेल में नहीं लिखा गया है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं लिखा गया है। ये देखिए, यहां पर एक बात आप और देखिए, यहां पर आपको ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ये 15 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, जबकि ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है यहां पर 40 से ज्यादा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। तो ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शन का, खास करके आपको देखना है ये बात, खास करके कि यहां प्रोसेसिंग नहीं होती है, यहां प्रोसेसिंग होती है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि यहां पर पॉलीसिस्टानिक है, यहां पर मोनोसिस्टानिक है, मतलब क्या हुआ, पॉलीसिस्टानिक माने हुआ कि डीएनए के किसी एक सेगमेंट से कई जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में डीएनए से एक बार में एक ही जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है और उससे एक ही तरह का कोई प्रोडक्ट बन सकता है। अगर आप यहां देखें तो यहां पर जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट वो है जिसका सबसे पहले फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो एमआरएनए का है उससे प्रोटीन बन सकती है, सीधे प्रोटीन बन सकती है। लेकिन यहां पर जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, मतलब अगर आप समझें तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यहां इनएक्टिव है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यहां पर क्या है, इनएक्टिव है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट अगर मैं आपसे पूछ एचएनआरएनए बनता है एमआरएनए, तो आप कहेंगे सर एचएनआरएनए है,
ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टर है और इस एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग के बाद ये एमआरएनए का बनता है। प्रोसेसिंग में कितने स्टेप होते हैं? पहला कैपिंग होता है, दूसरा टेलिंग होता है और तीसरा स्टेप जो होता है स्प्लाइसिंग होता है।